सभी का ध्यान होना चाहिए प्रोजेक्टर के सामने, प्रोजेक्टर में, ठीक है। झूठ बोलने वाले का कमी थोड़े है, जिस देश का राजा ही झूठ बोले तो प्रजा का क्या कहना फिर। राजा ही जब झूठ बोलने लगे तो प्रजा का क्या है। क्यों पैर छोड़िए, बाद में देखे जाएगा। तो जो आप प्रोग्राम बनाते हैं डेटा स्टोर करने का, ठीक है, मैं भी एक प्रोग्राम बना लेता, ठीक है। मेन ऐसे, ठीक है, प्रिंट एफ इंटर नेम स्कैन एफ परसेंट एस कॉमा नेम, यहाँ पे एड्रेस का भी तो साइन देना पड़ेगा, हम भूला गए। फिर प्रिंट एफ, ठीक है, और फिर परसेंट एस कॉमा, इसके बाद क्या लिख देंगे जी, नेम लिख देंगे, ठीक है। और नेम को हम क्या करेंगे जी, ऊपर जो है बना लेंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे 10 कैरेक्टर, ठीक है। यस, अब इसको हम क्या करते हैं जी, कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है। चल जाओ यार, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, ये क्या बोल रहा है, बिल्ट इन फंक्शन, ये पता नहीं क्या बोल दिया, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है जी। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे आई नहीं है, चलिए जी अब रन कर दें क्या, चलिए जी रन कर दे रहे हैं, अब चल गया। आप लोग तो बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई, आ गया नाम, ठीक है। तो चलिए जी इधर हम क्या करते हैं, स्लैश एन कर देते हैं, लाइन ब्रेक करेगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या बोल दिया, मजा नहीं आया मेरे को। रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है, अरे भाई रुक जा थोड़े देर, कंपाइल रन मैं करता हूँ, ठीक है। तो कुछ नाम लिख के एंटर मारा तो वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि हम प्रोग्राम में नाम स्टोर कर रहे हैं एम्प्लॉई का, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, जैसे ही प्रोग्राम बंद हो जाता है तो जो डेटा हम स्टोर करके रखे रहते हैं वो डिलीट हो जाता है। ये देखिए डेटा है ना, अब ये डेटा जैसे ही मैं प्रोग्राम को क्लोज करूंगा, ये देखिए क्लोज हुआ प्रोग्राम, वो डेटा तो गायब हो जाएगा ना, मतलब वो परमानेंट स्टोर तो नहीं रहता। तो परमानेंट नहीं स्टोर होता तो ये कहाँ डेटा स्टोर होता होगा, वेरिएबल्स का डेटा, रैम में होता होगा, क्योंकि रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो करंट के फॉर्म में होता है, चार्ज वगैरह के फॉर्म में, टेम्प्रेरी होता है, कंप्यूटर बंद हुआ या प्रोग्राम कट किया हमने, डेटा गायब हो गया, ठीक है। तो ऐसा काम करना चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, में या हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होता है वो तो परमानेंट होता है ना। क्यों भाई, हमें ये खोजना पड़ेगा कि डेटा परमानेंट स्टोर होकर के कहाँ रहता है। तो डेटा जो है परमानेंट स्टोर होकर के हार्ड डिस्क में रहता है। जैसे मान लीजिए आप कि मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, फिर यहाँ बोल दिया एम्प्लॉय, ठीक है, हो गया ये एम्प्लॉय नाम का फाइल बन गया, कुछ भी डेटा लिख दिया, दूसरे एम्प्लॉय का नाम, तीसरे एम्प्लॉय का नाम, चौथे एम्प्लॉय का नाम, और मैं इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो एक रास सेव कर देंगे हम, अब ये हार्ड डिस्क में सेव हो गया है ना, ये हार्ड डिस्क में सेव हुआ है, तो अब ये डेटा क्या है, डिलीट नहीं होगा। ये कब डिलीट होगा, जब हम डिलीट करेंगे, मतलब हार्ड डिस्क माने सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है,
इसमें हम डेटा सेव करेंगे तो क्या होगा, परमानेंट हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए मैं क्या किया, एम्प्लॉय नाम का इधर टेक्स्ट फाइल बनाया और फिर हमने क्या करा, उसमें कुछ लिख दिया, लिखिए दिया ना, फिर इसमें कुछ और एम्प्लॉय का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा और ऐड करके सेव कर दूंगा और कर दूंगा इसको कट, स्टोर हो गया। तो सी में या सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको ऐसे ही फाइल में सेव करके अगर रख लेंगे तो बड़ा अच्छा रहता ना, बढ़िया होता ना, नहीं होता, बड़ा अच्छा होता जी, हम सेव करके रख लेते। क्यों, डेटा हम सेव करके रख लेते और फिर दोबारा जब प्रोग्राम रन करते तो यहां से आ जाता, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, करना हमको ऐसा चाहिए कि वेरिएबल्स का जो डेटा है हम उसको फाइल में स्टोर कर दें, ठीक है, और फिर क्या करें, सेव कर दें, और जैसे ही सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हमारा रन करे तो फाइल का डेटा रीड करके हम प्रोग्राम में लाके दिखा दें, ठीक है। फिर जब कुछ सेव करना है डेटा तो डेटा हम फिर सेव करेंगे, फाइल में सेव कर देंगे वेरिएबल्स का डेटा, फिर प्रोग्राम बंद कर देंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम तो हमारा बंद हो जाएगा लेकिन फाइल में जो डेटा स्टोर रहेगा वो तो रहेगा ही ना। और फिर अपना इस सॉफ्टवेयर को कंपाइल और एग्जीक्यूट रन करेंगे, एग्जीक्यूट रन में तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में डेटा हम फाइल से डेटा को रीड करके सॉफ्टवेयर में दिखा देंगे, बढ़िया होता ना, बड़ा अच्छा होता। तो इससे क्या होता, हमको लगता कि सॉफ्टवेयर में ही डेटा सेव हो रहा है, यही लगता ना हमको, लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली तो डेटा फाइल में सेव हो रहा है ना। तो ऐसा करते तो कैसा, बढ़िया टेक्निक होता, नहीं होता, बढ़िया होता ऐसा टेक्निक, तो ऐसा हम लोग करके देख लें क्या, हाँ क्यों, क्या कहते हो, करके देख लें ऐसा, चलिए जी, तो ऐसा करके देख लेते हैं हम, का दिक्कत है। यहाँ पे जो है कैरेक्टर में एम्प्लॉई का नेम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेम रख देंगे हम, ठीक है। तो फाइल को बनाने के लिए, फाइल में डेटा राइट करने के लिए, फाइल में डेटा रीड करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं, जैसे मैं हॉटस्पॉट अपना ऑन करके रखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ जी, इधर पे आता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ अपना मोबाइल, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं नीचे, ठीक है। तो क्या करना चाहिए जी, अब हमें इस प्रोग्राम को मैं बंद करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, untitled1.c नाम से यह फाइल है, ठीक है, untitled1.c कहाँ है जी, ये वाला है ना, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ सी नाम से फोल्डर, ये बन गया ना मेरा, इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, कर दिया सेव, इसको ऐसे कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे करके ओपन कर दूँगा डबल क्लिक करके, ठीक है, चलिए जी, हो गया डबल क्लिक करके ओपन। तो फाइल से डेटा रीड और राइट करने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगा, हम फाइल में डेटा, जैसे मान लीजिए मैंने टेक्स्ट फाइल बनाया यहां पे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगा हमको, फाइल बनाने का जी, बना देते हैं स्टूडेंट नाम से फाइल, ठीक। अब डेटा इसमें अगर राइट करना है तो ओपन करना पड़ेगा ना जी, ओपन करूंगा फिर इसमें राइट करूंगा फिर सेव करूंगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से फाइल हमें पहले सी के जरिए बनाना पड़ेगा, मैं एम्प्लॉय को डिलीट मारा, एम्प्लॉय बोल रहा हूँ स्टूडेंट को, ठीक है, फिर यहाँ पे आया तो उसके लिए मैं एक फंक्शंस का इस्तेमाल करूंगा, वो फंक्शंस का नाम क्या है, एप ओपन, ठीक है, ये शायद PHP वगैरह में भी है एप ओपन फंक्शन, ठीक है, तो सी में एप ओपन फंक्शन मैंने इस्तेमाल करा ताकि क्या हो, हमारा फाइल जो है
ओपन हो जाए, ठीक। तो मैं स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, यहाँ पे दिया फाइल का नाम, ठीक है, और एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा, इस स्टूडेंट नाम के टेक्स्ट फाइल को ओपन कर देगा, ठीक। लेकिन अगर ये फाइल जो है होगा ही नहीं तो क्या करेगा जी, यहाँ पे अगर स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल होता तब तो ओपन कर देता, लेकिन अगर फाइल होगा ही नहीं तो क्या करेगा जी, ये फाइल जो है बना देगा, ठीक। फिर यहां पे दीजिए कॉमा, यहां इस एप ओपन फंक्शन क्या करेगा, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी नाम का जो फाइल है उसको ओपन करेगा, और अगर फाइल होगा ही नहीं इस नाम से तो क्या करेगा, पहले बनाएगा और फिर ओपन कर देगा। आपको समझ में आ गया, चलिए जी। फिर उसके बाद कॉमा दिया जाता है और फिर यहां पे क्या डाला जाता है, मोड, एम ओ डी, मोड। मोड का मतलब क्या, कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं वो फाइल किस पर्पस से आप ओपन कर रहे हैं, मतलब कि जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हैं उस फाइल में डेटा आप लिखने के लिए ओपन कर रहे हैं, या डेटा उसका डेटा पढ़ने के लिए ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, या तो पढ़ने लिखने दोनों के लिए ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोड डाला जाता है, ठीक है। मोड होते हैं कुछ तीन चार प्रकार के, कितने चार प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, W होता है, R होता है, A होता है, W प्लस होता है, मैं आपको इंटरनेट से दिखा देता हूँ लाइव, आपको भी कभी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से देख लीजिएगा, फाइल ओपन MOD मोड, ठीक है, सर्च करूँगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया पूरे के पूरे, ठीक है, यही है वो, ठीक है। मैं इमेज में अगर जाऊँगा तो क्या होगा, इमेज आ जाएगा जी, ये देखिए आ गया इमेज, ठीक है, या फिर और भी यहाँ पे इमेज है, ये देख लीजिए, ठीक है, अपेंड इंड, ठीक है, ये थोड़ा कलरफुल लग रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन न्यू टैब करता हूँ, ठीक है, ये कहाँ मेरे को ला दिया, और इसको मैं राइट क्लिक करके इसको फिर से ओपन न्यू टैब कर देता हूँ, ठीक है, फिर ओपन इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए आ गया, ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सी के अंदर कर देता हूँ मैं सेव, ठीक है जी, आ गया, ये देखिए वो फोटो है, तो इस फोटो में दी लिखा हुआ है जो है, ठीक है, तो मुझे तो याद है, आप भी याद कर लेना, याद अलग से आपको करने का जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आर, आर अगर लिखते हैं तो क्या होगा जी, मीनिंग है रीडिंग, ठीक है, जैसे आपने यहां पे आर लिख दिया, ठीक है, आर, ठीक है, ये एफ ओपन फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर जाता है, आपने पैरामीटराइज फंक्शन पढ़ा है ना, तो इसमें यहां पे जो पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो यहां पे दो आर्ग्यूमेंट जाता है, पहला तो फाइल का नाम और दूसरा कॉमा देने के बाद मोड, ठीक, तो यहीं पे मोड दिया जाता है, ठीक है। अगर उसमें आर अगर हम पास करते हैं तो क्या होगा, रीडिंग मोड में जो है फाइल ओपन हो जाएगा। कोई फोटो फाटो खींचोगे तो खींच लो यार इसका, अगर जरूरत पड़े आपको तो, अगर या लिखना हो तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो R का मतलब क्या है, रीडिंग मोड में होगा ओपन, ठीक है, ओनली रीडिंग पॉसिबल, नॉट क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर फाइल जो है क्रिएट अगर नहीं है तो क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, नॉट क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट इसमें बोला हुआ है। मैंने तो कहा था जी कि क्रिएट कर देगा, तो कब क्रिएट करेगा जी, वो राइटिंग मोड में जब आप ओपन करेंगे तो। रीडिंग मोड में तो जरूरत नहीं है ना फाइल क्रिएट करने के बाद, जब फाइल है ही नहीं है तो क्या करेंगे हम बना के फाइल, हमको राइट थोड़ी करना है, ठीक है। तो अगर W लिखेंगे तो क्या होगा, ये राइटिंग मोड में जो है ओपन करेगा फाइल को। अब इसमें क्या लिखा है, ओनली राइटिंग पॉसिबल, W मोड में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ओनली पॉसिबल है राइटिंग करना फाइल में, क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट अदरवाइज इरेज द ओल्ड कंटेंट
ऑफ फाइल एंड ओपन एज ए ब्लैंक फाइल। इसका मतलब क्या है हिंदी में, W से आप फाइल ओपन कर रहे हैं, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो फाइल को क्या करेगा, बना देगा और फिर ओपन कर देगा, ठीक। और फाइल पहले से रहेगा तो क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है, कि पहले से जो कंटेंट है फाइल में उसको इरेज करेगा और फिर इसमें नया कंटेंट लिखेगा। आपको समझ में शायद नहीं आया, कहने का मतलब यह है कि इसका दो कंडीशन है W मोड का। पहला कंडीशन यह है कि फाइल अगर आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है तब तो ओपन कर देगा, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करेगा, फाइल को बनाएगा और फिर ओपन कर देगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे इसमें कुछ डेटा राइट करोगे ना, ठीक है, या फिर इसमें क्या लिखा है, अदरवाइज इरेज द ओल्ड कंटेंट, ठीक है, ये क्या करता है कि जितना पुराना डेटा आप लिखोगे उसमें वो इरेज कर देगा, डिलीट कर देगा और नया डेटा आपका डाल देगा उसमें, ठीक है। यहाँ पे बोला है इरेज द ओल्ड कंटेंट ऑफ फाइल एंड ओपन एज अ ब्लैंक फाइल, ब्लैंक फाइल बना के ओपन कर देगा, ठीक है। बाकी ए है वो क्या करेगा, अपेंड करेगा, ओनली राइटिंग पॉसिबल, क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट अदरवाइज ओपन फाइल एंड राइट फ्रॉम द एंड ऑफ फाइल, डोंट इरेज द ओल्ड कंटेंट। ये क्या करता है, पुराना कंटेंट को डिलीट नहीं करता। W और A में अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ एक ही है, W जो है पुराना कंटेंट को इरेज कर देता है, A जो है पुराना कंटेंट को इरेज नहीं करता, जब बल्कि क्या करता है, फाइल के आखिरी में आपका नया कंटेंट को अपेंड कर देता है। R प्लस लिखोगे तो क्या होगा, रीडिंग राइटिंग दोनों होगा, ठीक है, ये क्रिएट कर देगा। यहां पे देखिए लिखा है W क्या करता है, रीडिंग राइटिंग दोनों कर देगा जी, अपेंड क्या करता है, रीडिंग और अपेंडिंग दोनों करता है, यह इसका मतलब है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, पहले मैं राइट को करा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे कर देता हूं W, ठीक है, ओपन किया, अब ये रिटर्न करता है कुछ, ठीक है, क्या रिटर्न करता है जी, फाइल पॉइंटर, ठीक है। मैं इसको कंपाइल रन करता हूं अभी थोड़ा, ठीक है, तो मैं इस स्कैनएफ को क्या करता हूं, थोड़े देर के लिए डिलीट मारता हूं, इसको भी डिलीट मारता हूं, इनका अभी जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कुछ कंटेंट हो और आपको कंफ्यूजन हो। एक कैर नाम का वेरिएबल है, इसको छोड़ दे रहा हूं, ये फाइल जो है ओपन करेगा, ठीक है, देखते हैं जी क्या कुछ होता है या कुछ नहीं होता है ना। अनडिक, ओ समझ गया मैं, आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लोगे, हैज, ठीक है, इंक्लूड stdio.h, इस हेडर फाइल में इनका डिक्लेरेशन वगैरह है पूरा, ठीक है, तो इसको इंक्लूड आपको करना पड़ेगा। मैं कंपाइल रन करा, ठीक है, इसको ऐसे में W नहीं लिख सकता क्या, ऐसे लिखूं, हो सकता है मैं भी, ये देखिए चला स्टॉप हुआ भाई, इसको तो समस्या हो गया, क्या बोल रहा है जी, कॉन्स्टेंट कैरेक्टर, ये देखिए फाइल पॉइंटर जो है ये रिटर्न करता है एफ ओपन फंक्शन, ठीक है जी, एफ ओपन फंक्शन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइल पॉइंटर में होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, मैं थोड़े देर के लिए इसको फिर से हटा देता हूँ, ठीक है। अब फाइल पॉइंटर क्या है, फाइल पॉइंटर देखिए, देखा जाए तो एक इंटरनली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है, ये जो फाइल ओपन करता है ना, तो ये ओपन करता है तो बफर में बफर बनता है, ठीक है, बफर वगैरह को आप छोड़िए, आप ये एज्यूम कर लो, ठीक है, कि इंटरनली मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है, और उसका एड्रेस जो है ये रिटर्न करता है, और वो एड्रेस किस टाइप का होता है, तो फाइल पॉइंटर टाइप का होता है। अगर मैं गूगल पे यहाँ लिख दूँ, ठीक है, FILE फाइल पॉइंटर इन सी, ठीक है, और इमेज में सर्च कर दूँ मैं, ठीक है, तो फाइल पॉइंटर के बारे में कुछ आपको दिखाया जाएगा। फाइल पॉइंटर में क्यों बोलो, फाइल एस टी आर यू स्ट्रक्चर,
ठीक है जी। तो फाइल जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि रखता है इनफॉरमेशन। ये देखिए ये नहीं है यार, ये देखिए कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। या ये ले यहीं पे है ये, ठीक है। तो इसको मैं सेव एज इमेज कर दूं, कर देते हैं सेव एज इमेज, डेस्कटॉप सी के अंदर सेव कर देता हूं मैं इसको, ठीक है जी। मैं तो क्रोम से, ये देख लीजिए खोल दिया है फोटो। तो ये फाइल पॉइंटर यही रिटर्न करता है कि कौन, एप ओपन फंक्शन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन होता है, लेबल होता है, फ्लैग होता है, बाकी चीजें होता है, साइज वगैरह, बाइट्स वगैरह, ठीक है। फोटो फाटो खींचोगे तो खींच लो यार, ठीक है। चलिए मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको, और इसको मैं क्या करूँगा जी, होल्ड कर लूँगा, ठीक है। कहाँ होल्ड कर लूँगा, फाइल नाम के वेरिएबल में। फाइल पॉइंटर ये रिटर्न करता है फाइल पॉइंटर, तो मैं एफ नाम का वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, और इसको पॉइंटर टाइप का बनाऊँगा, तब तो ये होल्ड करेगा पॉइंटर टाइप का। एड्रेस स्टोर कराना है ना हमको, स्टोर कर लिया जी, ठीक है। कंपाइल रन कर दो प्रोग्राम करके, अभी तो कुछ है नहीं, होने वाला नहीं है जी, ठीक है। एंटर मार दिया मैं, ठीक है। स्टूडेंट नाम का देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। यहां पे मैं लिख दिया ये, ठीक है, लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ जी, ठीक है, कट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं फिर से कंपाइल और रन करता हूँ, डब्लू मोड में ओपन किया हूँ मैं, आप देख लो, ठीक है, ये लीजिए, ठीक, ये देखिए कंटेंट डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मतलब प्रमाणित हो गया जी कि यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था, मतलब जहाँ पे जो लिखा है वो सही बात है भाई, ठीक है। कि फाइल अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो क्रिएट कर देगा, ठीक है, और ओपन करेगा, लेकिन क्या करेगा, जो पुराना डेटा है उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, और नया डेटा हम राइट करेंगे तो राइट कर देगा। अब नया डेटा मैं राइट तो कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। इस स्टूडेंट नाम का जो फाइल है डिलीट मार देता हूँ मैं, ठीक है, और आप लाइव देखिएगा, ठीक है, कि यह सच में बनता है कि नहीं। कंपाइल रन, ये सामने आ जाता है तो लाइव कैसे देखेंगे हम लोग। ऐसा काम करते हैं ना कि स्क्रीन को थोड़े देर रोक के रखने के लिए हम कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, क्या है वो, गेट कर लेंगे जी। गेट सी एच फंक्शन है जो कि कीबोर्ड से एक कैरेक्टर लेता है, इसी का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। गेट सी एच चल गया, ठीक है, और यहां पर आया। इसको मैं पहले डिलीट मार देता हूं, ठीक है। जैसे ही एंटर करूंगा गेट सी एच का काम खत्म होगा और एप ओपन चलेगा। एंटर मारा, ये देखिए बन गया ना यहाँ पे फाइल, तो बन जाएगा ये फाइल। ये कौन आदमी अभी फोन कर रहा है, रुकना थोड़ा, बन गया जी इधर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इतना तक तो सबको क्लियर है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसका आपको है नहीं हमारे डिक्शनरी में, इसको रिज्यूम किया क्या मैंने, ठीक है। तो ओपन कर लिया हमने, अब हमको क्या करना है कि इस फाइल में डेटा को क्या करना है, राइट करना है। कैसे राइट करेंगे जी, उसका भी कुछ फंक्शन आता है, ठीक है। तो एक तो फंक्शन है गेट्स फंक्शन, में बताया था कि पूरा एक लाइन रीड कर लेता है, ठीक है, स्पेस वगैरह है, तो उसमें लगा दो एफ, एफ गेट्स नाम का फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या पास कर दूंगा मैं, इसी कैरेक्टर को, ठीक है, नेम को यहां पे क्या करूंगा मैं, पास कर दूंगा।
दूसरा इसमें क्या दे दूंगा जी, एक पॉइंटर को दे दूंगा कि ये फाइल है, ठीक ठीक है ना। लेकिन इसके पहले हमको इनपुट तो लेना पड़ेगा यूजर से, नहीं लेंगे तो कैसे सब होगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे दूंगा प्रिंट एप, ठीक है, और क्या मैं मैसेज दूंगा, इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक दे दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, स्कैन एप से ले लूंगा इनपुट परसेंट परसेंटेज कॉमा, इसके बाद नेम लिख दूं, लिख देते हैं नेम, स्कैन एप में एड्रेस लगता है, एड्रेस लगा देंगे, ठीक है। अभी आप देख लो स्टूडेंट नाम में कुछ नहीं है, ठीक है। मैं क्या करा, यहाँ पे ओपन करा मैं फाइल को, फिर यूजर से इनपुट देने के लिए मैंने प्रिंट एप का मैसेज दिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या करा जी, स्कैन एप जो है इनपुट लिया और यहाँ पे फाइल में डेटा राइट कर दिया, ठीक समझ में आ गया आपको। देखते हैं क्या सच में राइट हो जाएगा, देख लेते हैं जी क्या बोल रहा है। ओ याद आया, इधर साइज भी देना पड़ेगा, तो मैं साइज मेंशन कर देता हूं जी, ठीक है। अब इसको कर देता हूं मैं कंपाइल और रन, बोल रहा है नाम डालने के लिए, मैं डाल देता हूं अमित, ये अमित तो है नहीं, कुछ और डला गया, एंटर कर दिया जी। चलिए डेटा इसमें आ गया होगा, नहीं आया होगा, ये तो कुछ हो नहीं आया यार, बहुत ना इंसाफी है, ये बड़ा खतरनाक मजाक है। चलिए कुछ जुगाड़ देखते हैं हम लोग, अब फाइल में डेटा राइट क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे हमने जो काम करा ठीक है, और बफर के अंदर तो हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब फाइल में जाकर के वो सेव हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम एक और काम कर देंगे, ठीक है, और वो क्या काम कर देंगे, एप क्लोज एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करके इसको दे देंगे एप को, फाइल पॉइंटर को, ठीक है ठीक। अब मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा इसको कंपाइल रन, ठीक है। जैसे ही एप क्लोज का स्पेलिंग गलत लग रहा है मुझे, ऐसे होता है ना, कंपाइल रन कर देता हूं मैं, आ गया ठीक है, अमित लिख के एंटर मारा मैं, ठीक है हो गया। जैसे ही एप क्लोज चला होगा फोर्सफुल्ली फाइल में डेटा राइट हो गया होगा जी, ये तो सच में नहीं राइट हुआ जी, ये क्या मजाक है, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा खतरनाक मजाक कर लिया जी। अब क्या करना चाहिए हमको जी, एप गेट्स दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया मैं, नेम दे दिया, यहाँ पे टेन दे दिया, यहाँ पे एप मैंने फाइल पॉइंटर को हमने दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे फाइल बन गया है, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, चल भाई हो गया डिलीट, ठीक है। डेटा को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये साइज तो यहाँ पे डाल ही दिया हूँ, ठीक है। कंपाइल रन कर दूँ इसको जी, कर देते हैं जी कंपाइल रन, देखते हैं सच में डेटा हमारा राइट होता है या नहीं। राइट कर दूँ जी डेटा, कुछ छो डाल देता हूँ, हो गया होगा राइट, नहीं हुआ होगा, ये तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या समस्या हो सकता है जी, ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा क्या हमको, मुझे लगता तो नहीं है, कि देना पड़ेगा, ये तो फिर भी राइट नहीं हुआ, ये राइट आखिर हो क्यों नहीं रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कुछ गलतियां लगा है कर रहा हूं मैं। एप क्लोज, यहाँ पे डेटा आया, एक बार प्रिंट करके देखते हैं जी डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या कर दूंगा जी, मैं ये कर दूंगा और फिर कॉमा दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे दे दूंगा जी नेम, ठीक है। मैं इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता हूँ, मेरा लगता है दिमाग खराब हो गया है, ये फंक्शन ना एप गेट्स नहीं है, ठीक है,
पुट्स है, ठीक है, ये होगा नहीं इधर, ठीक है, मैं भूल गया था फंक्शन का नाम, ये क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, हटा दो जी, हटा देता हूँ साइंस को, ठीक है, नाम एंटर करके एंटर कर दिया, ठीक है, ये देखिए डेटा राइट हो गया है, ठीक है, तो मैं भूल गया था कि एफ गेट्स नहीं एफ पुट होता है, गेट्स से रीडिंग होता है, ठीक है, तो क्या किया जी हमने, मैं इसको क्या करता हूँ ना, कमेंट मार देता हूँ, ठीक है, और कंपाइल रन कर देंगे, ठीक है। अमित लिख के एंटर मारा, ठीक है, देखते हैं जी डेटा राइट हुआ है कि नहीं, अमित डेटा तो राइट हो गया है जी, मतलब डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है, अगर डेटा राइट ना हो, ठीक है, तो इसको लिख देना चाहिए, यहां पे मैं आऊंगा और गेट्स नाम का मेथड का इस्तेमाल कर लेता हूं राइट करने के लिए डेटा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक से ज्यादा वर्ड्स जो है मैं लिख ले सकता हूं, इनपुट ले सकता हूं ना, चलिए जी ACMANT स्पेस MISH ले लिया, एंटर मारा, इतना जी स्टाफ वर्क पता नहीं इसको क्या हो गया जी, समस्याएं आ गई इसको, ठीक है, कुछ नहीं हुआ जी, नेम एंटर हुआ नहीं जी, ठीक है, एप गेट्स हमने करा, चलिए जी इसको मैं बंद हटा दूंगा अब, ठीक है, गेट्स होता है कि गेट होता है मैं फिर भूल गया, ठीक है, अभी राइट हो गया होगा, मैंने यहां से इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है, तो राइट इसमें अब हो गया होगा, ये देखिए हो गया है ना, तो अभी एफ क्लोज हमको चलाना पड़ा, ठीक है, अभी फोर्सफुल्ली हमने जो है बफर से डेटा उठाया और राइट कर लिया, ठीक है, तो स्कैन एफ अगर होता तो क्या होता, मल्टीपल वर्ड्स को नहीं ले पाता, जैसे मैं अगर कंट्रोल जेड कर दूं ना तो आप देखिएगा, ठीक है, दो शब्द मैं लूंगा अभी इनपुट से यूजर से, ठीक है, SEMANT लिया, एंटर मारता हूं तो स्टोर नहीं होगा, देखना दोनों शब्द सिर्फ नाम स्टोर होगा, ये देखिए सिर्फ नाम ही स्टोर हुआ है, ठीक है, लेकिन पूरा नाम स्टोर हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, यहां पे हमको लगाना पड़ेगा गेट्स नाम का फंक्शन, जो क्या करेगा कि पूरा वर्ड्स को ले लेगा वो यूजर से इनपुट, ठीक है, गेट्स लगा दूंगा, ठीक है, और एफ क्लोज को अब हमको चलाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फोर्सफुल्ली डेटा जो है राइट कर दे फाइल में और फाइल को क्लोज कर दे। अब इंटर नेम बोल रहा है ना, SEMANT स्पेस MISHRA, एंटर करा, क्या हो गया भाई इसको, डेटा यहां पे आया, डेटा अब नॉर्मल टर्मिनेट तो हुआ नहीं, मैं कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है, और रन कर दूंगा, ठीक है, कंपाइल रन, क्या खोल दिया गूगल बेसिक में, ठीक है, एक मल्टीपल वर्ड्स आपका ले लेता है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस का भी जरूरत पड़ता है क्या जी, नहीं पड़ता, जहां तक मुझे मालूम है पड़ता तो है नहीं, ठीक है, बोलिए एक्सपेरिमेंट करने में जाता है क्या, जाता है, करो ना, ठीक है, अभी इसका डेटा इसमें राइट हो गया होगा जी, ठीक है, तो यही है जो है, ठीक है, तो किसी को कोई समस्या है जी तो बताइए, समस्या नहीं है तो हम मान लेंगे कि आप लोग ज्ञानी लोग हैं, सर्वगुण संपन्न लोग हैं, ठीक है, इसको जरूरत नहीं है एंड वेंड देने का,
ठीक है, ये ऐसे में भी चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ दिक्कत है तो जी पूछ लो, और दिक्कत ना हो तो कह दो हम ज्ञानी लोग हैं, हमको दिक्कत नहीं होता। लिखोगे? लिख लो। अच्छा आप लोग बताइए कि इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना? है दिक्कत किसी को या नहीं है? कुछ दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो कह दीजिए कि नहीं है दिक्कत। सबसे पहले फाइल पॉइंटर, फाइल स्ट्रक्चर टाइप का मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। पॉइंटर ही क्यों बनाया? क्योंकि ये फाइल पॉइंटर ही रिटर्न करेगा ना। कैरेक्टर वेरिएबल बनाया ताकि वेरिएबल्स में मैंने डेटा ले सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे गेट्स के साथ ना लेकर के मैं scanf लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको, चलिए जी, scanf से डेटा लिया और scanf जो है पुट कर देगा इसमें। ठीक है, फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, scanf से लिया हूँ तो अभी इसका ज़रूरत नहीं है, पर मैं हटा नहीं रहा हूँ, रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो है w, वो जो है डेटा क्या करता है, डिलीट कर देता है जी पुराना डेटा को। ठीक है, अभी इसमें ये है ना, अभी आप देखना मैं इसको कंपाइल रन करूँगा तो पुराना डेटा को डिलीट मारेगा। ठीक है, बोल रहा है ABC, एंटर कर दिया, अभी आप देखना पुराना डेटा डिलीट होगा, ABC यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो गलत बात है। तो पुराना डेटा रह जाए, नया डेटा आ जाए, उसके लिए ए कर देंगे हम, अपेंड मोड में हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक, अब इसको मैं कंपाइल रन करूँगा तो ठीक है, रन किया, एंटर किया, ये देखिए तो पुराना डेटा अभी होगा और नया डेटा अपेंड हो गया, देख लो हो गया ना। फिर क्या करेंगे हम, फिर से मैं क्या करूंगा जी, कंपाइल रन करूंगा, कंपाइल का तो जरूरत था नहीं, और कुछ डेटा एंटर करा, वो भी डेटा इसमें ऐड हो गया होगा, तो देखिए ऐड हो गया। तो डेटा, पुराना डेटा ना हटे और नया डेटा ऐड होता जाए, उसके लिए ए करेंगे, ए का मतलब अपेंड करेंगे हम। ठीक है, ए प्लस कर देंगे तो रीड भी करेंगे और अपेंड भी करेंगे, इसका ये मतलब है जी। ठीक है, अब क्या करना है हमको जी, लाइन ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जी, इसी में मैं इधर आता हूँ और ऐसे कर दूंगा तो चलेगा जी? नहीं चलेगा, चलना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा, इसका ये हिम्मत, मजा नहीं आया, नहीं चलेगा, तो बहुत नाइंसाफी है जी। ठीक है, देखते हैं जी, ये तो कुछ नहीं हुआ जी। फिर से मैं डेटा राइट करता हूँ, ठीक है, फिर से रन, कंपाइल रन कर देता हूँ इसको। ठीक है, दो बार मैं अपना नाम लिखा और एंटर करा, तो बताइए कि दूसरा बार जो मेरा नाम है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा कि उसी लाइन पे आएगा? प्रत्यक्ष देख लो, चल गया, हाँ चल गया ना। चलिए जी, मैं क्या काम करता हूँ कि स्टूडेंट नेम है, इधर कॉमा देख के बोल देता हूँ कि भाई क्लास भी एंटर कर दे। ठीक है, और इसका scanf को एक बार कॉपी मारता हूँ और फिर यहाँ पे क्लास भी जो है मैं ले लेता हूँ, सी नाम, सी बोल देता हूँ, सी मतलब क्लास। ठीक है, और एक और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ सी नाम से और इसको दे देता हूँ 10। ठीक, और फिर मैं क्या करूँगा जी, नेम के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक ठो स्पेस दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, क्लास को भी जो है यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे ले जाऊंगा कर्सर। ठीक, समझ में आया आपको मैं क्या करा? इस फाइल को, मैं पुराना डेटा है जी, इस फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, मजा नहीं आ रहा है मेरे को इसको देख के। ठीक है,
कंपाइल रन करता हूँ जी, कंपाइल रन करा मैंने, आपको क्या लगता है सक्सेसफुली प्रोग्राम चलेगा? एंटर मारा, क्लास डाल देता हूँ जी, एंटर मारा, डेटा राइट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, क्या कहते हो गया है राइट? चलिए जी, फिर से मैं कंपाइल रन करूँगा, कंपाइल का जरूरत नहीं है, रन कर देता हूँ सिर्फ। अमित डाल देता हूँ जी, क्लास में क्या डाल देता हूँ, DCA डाल देता हूँ, एंटर करा, ए डेटा भी राइट हो गया होगा ना, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, सीक्वेंस में तो बढ़िया आ जा रहा है अब, ठीक है। फिर से मैं इसको क्या करूँगा जी, कंपाइल और रन करूँगा, ठीक है। और कुछ नाम बताओ जी? राहुल। कोर्स बताओ, DCA, PGDCA, PGDCA। डेटा ये भी राइट हो गया होगा, इधर हो गया होगा राइट ना, ये देखिए डेटा राइट हो गया, तो ऐसे आप डेटा राइट कर लोगे, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक्सेल खोलता हूँ, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक्सेल खोलता हूँ, और जब मैं एक्सेल खोलता हूँ तो गलती से वर्ड खुल जाता है, ठीक है। चलिए जी, मैं एक्सेल खोल लिया, अब वो टेक्स्ट फाइल के रूप में मैंने डेटा को वहां लिखा, मजा नहीं आया ना, मैं चाहता हूं कि एक्सेल फाइल बन जाए, ठीक है, एक्सेल फाइल बन जाए और डेटा जो है राइट हो जाए, ठीक। कैसे? तो अमित, ठीक है, फिर यहां पे आ जाए BCA, राहुल, फिर अगले में आ जाए क्या, PGDCA, कमलेश, ठीक है, DCA, ठीक है, अच्छा बढ़ा दूं, हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से डेटा स्टोर हो, ठीक है, ठीक। मैं क्या चाहता हूं कि सी में मेरा डेटा स्टोर हो इस फॉर्मेट में, तो कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता। इस तरह से अगर डेटा स्टोर होता अगर मेरे एक्सेल में तो अच्छा होता ना, बड़ा अच्छा हो जाता। फिर हम क्या काम करते, इधर आते, एक बार प्लस मारते और फिर बोल देते, क्या बोल देते, नेम और क्लास, बढ़िया डेटा स्टोर हो जाता ना फॉर्मेटेड वे में, हो जाता ना, नहीं होता, बोल देते मजा ही आ जाता, ऐसा हो जाता, मजा आ जाता ना, हम करेंगे ऐसा, ठीक। तो इतना करने के बाद मैं रीडिंग करना बता दूं आप लोगों को। अच्छा ये बताओ, जो एक्सेल के फॉर्म में मैं बोल रहा था उसको अब बनाना अभी तुरंत बता दूं कि बाद में बताऊंगा कल, इतने को आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, इतने को प्रैक्टिस करोगे। चलिए, तो ये प्रोग्राम का फोटो वगैरह आप खींचोगे तो खींच लो, खींचना है फोटो खींच लो जी, मेन मेथड के अंदर मैं हूं अभी, लिख लो या फोटो खींच लो, ठीक है। मैं रीडिंग करना अभी इसको बता देता हूं, ठीक है, कि रीड कैसे होगा, तब तक मैं इसको बंद कर लेता हूं। डेटा रीडिंग करना सीख ले हम लोग, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है, इतना बस रहने देता हूं। तो रीडिंग करने के लिए क्या होता है, आर होता है, ठीक है, या फिर ए से रीडिंग करना है तो ए प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा जी, पहले मैं कौन सा फंक्शन बताया था, गेट्स फंक्शन बताया था ना, एफ गेट्स है वो, ठीक है, एफ गेट्स लिखा, ठीक है। इसको पहला मैं क्या दूंगा पैरामीटर, नेम, नेम दे दिया, उसके बाद क्या, साइज दूंगा, तो ये 10 था तो ये 10 साइज दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या दूंगा, ये फाइल पॉइंटर, कि यही है मेरा फाइल पॉइंटर, ठीक है, हो गया। तो ये जैसे लाइन चलेगा तो नेम वाले वेरिएबल में आ जाएगा डेटा, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे और प्रिंट कर देंगे। अच्छा, जो मैंने ये पुट्स फंक्शन बताया था ना, एफ PUTS, तो ये क्या करता है, एक लाइन पूरा ऐड कर देता है वर्ड, और सी पुट्स
सी फंक्शन क्या करता है जी, एक एक कैरेक्टर ऐड करता है, तो मैं कैरेक्टर में नहीं करना चाह रहा था तो इसलिए मैं कैरेक्टर नहीं लिया, लूप चला के इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे जी, परसेंटेज कर देंगे, यहाँ पे कॉमा देके नेम कर लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, हो गया। रन कर दूं प्रोग्राम, चल जाएगा नहीं चलेगा देखते हैं जी, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो देखिए, ये नाम कितने कैरेक्टर का है, 6 कैरेक्टर का है, ठीक है, और फिर एक स्पेस और फिर ये, ठीक है, मतलब कम पड़ गया जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी, 11 कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए आ गया टोटल, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह अगर हम लोग बनाए होते, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाए होते तो स्ट्रक्चर का साइज यहाँ, या फिर वेरिएबल का भी साइज यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे वेरिएबल का साइज ऑफ ऑपरेटर से, साइज साइज वगैरह डाल सकते हैं। मैं हार्ड कोड 11 लिख दिया हूँ, ठीक है। एक बार ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्या हुआ, एक लाइन रीड करके लाया ना, हमारे फाइल में कितना डेटा है, 3 लाइन का डेटा है, ये 3 लाइन ही है ना, तो आया तो पहला लाइन का डेटा, ठीक है, 13 कर दिया मैंने, ठीक है। मैं इसको फिर से कॉल करूंगा, ठीक है, ठीक, कंपाइल रन कर दिया, ठीक है, क्लोज प्रोग्राम, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर दूंगा जी, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहा था ऐसे, मैं क्यों कर दिया, फिर से नेम में डेटा लाएंगे और फिर से दिखा देंगे जी हम, ठीक है, कंपाइल रन, ठीक है, दूसरा वाला डेटा ये लाया नहीं, ठीक है, क्यों नहीं लाया, उसका रीजन है, ठीक है, 11 मैं करता हूँ, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो ये जितने बार हम कॉल करेंगे, ठीक है, उतने बार जो है ये चल जाएगा जी, ठीक है। तो क्या हम जितना लाइन हमारा रहेगा हम उतना लाइन जो है चलाएंगे, कि उससे ज्यादा चलाएंगे, उतना बार हमें चलाना पड़ेगा, क्यों, कॉमा 1 दे दूं मैं यहां पे तो ये स्टार्ट करे। तो बात ऐसा है ना कि हम ऐसे स्थिति में क्या करेंगे जी, लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, नहीं होता है यार ये इफ रीड में होता है, मैं भूल रहा था, ठीक है। तो रीड करना आपने देख लिया, नहीं देखा, रीड हो गया जी, ठीक है, तो ये प्रत्येक लाइन को रीड करता है, एक एक लाइन, ठीक है, ठीक है। लूप के अंदर इसी को अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा जी, रिपीट करेगा। वाइल का स्पेलिंग क्या है यार, वाइल का स्पेलिंग तक मैं भूल गया, क्या मजाक है ये तो, नॉट इक्वल टू नल कर दूं, या फिर एंड ऑफ फाइल वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, चलो जी यही हो जाए, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो हमारा लेगा क्या, हम फिर से कोशिश करेंगे जी, कुछ टेक्निक्स लगाएंगे, प्रोग्राम टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है, नहीं नहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैं मिस कर रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ,
क्या मिस कर रहा हूँ मैं। चलिए मुझे अभी नहीं याद आ रहा है जी क्या मिस कर रहा हूँ मैं। ठीक है बताऊंगा मैं जो है आपको। ठीक है तो एक्सेल के जैसे फॉर्म में डेटा को हम कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है आप इसको जो है लिख लो और फिर क्या करो जी प्रैक्टिकल आप लोग करो। एक्सेल के फॉर्म में डेटा को कैसे सेव करेंगे और कैसे रिट्रीव करेंगे। एक्सेल नहीं होगा वो बेसिकली वो क्या होगा कि वो सीएसवी होगा। ठीक है सीएसवी के फॉर्म में डेटा को अगर रीड और रीड राइट करना है तो हम क्या करेंगे सीएसवी फाइल बनाएंगे। ठीक है कैसे बनेगा सीएसवी फाइल एक्सटेंशन बदल के हम सीएसवी कर लेंगे। ठीक है तो हो जाएगा। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अन्यथा क्या करो लिख लो इसको और फिर प्रैक्टिकल करो बाकी हम देख लेंगे जी कल। ठीक है कल एक्सेल में डेटा रीड राइट करके हम देख लेंगे। ठीक है चलो लिख रहा है कोई लिख लो या फोटो फाटो खींच लो इधर इसको भी लिख ही सकते हैं। ठीक है और यहाँ पे मैंने 10 साइज दे रखा है ना तो यहाँ पे भी हमें 10 ही देने का है। ठीक है अब जो है वो काम करने लगेगा। मेरा याददाश्त इतना कमजोर कैसे हो जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है पिस्ता बादाम खाने पड़ेंगे अब क्यों। ठीक है ना आपने फिल्मों में सुना नहीं है डायलॉग इतना बादाम खिलाया कर याददाश्त तेज हो जाएगा क्यों। चलिए जी क्या बोल रहा है यार मैं एक ठो बनाता हूँ तो एक ठो छोड़ देता हूँ क्या मजाक है इसको 9 ही दे दूँ क्या। और चल जा भाई अब। चलिए जी चल गया सारा। ठीक है मैंने यहाँ पे साइज जो है दे दिया था ना 11 और मैं ध्यान नहीं दिया कि यहाँ 10 दे रहा हूँ। ठीक है तो ये लूप चला के जो है जैसे ही फाइल पूरा खत्म हो जाएगा ना तो ये रिटर्न करता है नल। ठीक है और जब ये नल रिटर्न कर देगा तो क्या करो लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है और फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दो। ठीक है तो यही है जी एक्सेल को बनाना कल सीख ले हम। आ गया जी तो इसको भी आप लिखोगे तो लिख लो। बड़ा अच्छा हुआ कि मैं भूल गया एरर आया ताकि आपको भी कभी एरर का सामना करे तो एरर आए तो अच्छा हो। लिख लो फोटो फाटो खींच लो बाकी एक्सेल वाला कल देख लेना आज इसको प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है एक्सेल वाला कल के सेशन में ऐसे भी आज का सेशन इतना हो गया। ठीक है चलिए जी।